अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हज़रत सैयद मोहम्मद तजुद्दीन कादरी मीरा साहब। तो दो दिन से मुसलमानों के अंदर एक बेचैनी और दर्द और गम और गुस्से का इजहार पाया जा रहा है। ऐसे वक्त में आपकी काफ़ी कुछ खिदमात रही हैं। कल पूरे वाक़े में आप मौजूद थे वहाँ पर जो मज़ार शरीफ को मुंतकल करने की बात कही गई थी, तो उसके बाद क्या कुछ हुआ, आप वहाँ पर मौजूद थे, आप बताइए वहाँ की पूरी तफसीलात, हर कोई जानना चाह रहा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, नहमदुहू व नसल्लि अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फऔज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं तमाम लोगों को दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। अफसोस भी है कि हमारे शहर के एक कदीम बुज़ुर्ग हज़रत सैयद शाह महमूद क़ादरी अलमारूफ मोहम्मद शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह भाई हज़रत का मामला ये रहा कि 16 दिसंबर को अचानक जो है हाईकोर्ट में जो हमें दरगाह कमेटी को जो स्टे मिला था वो अचानक स्टे वैकेट हो जाता है और उसमें एक आर्डर आ जाता है कि भाई धारवाड़ अपने बहरी देवर कब के ताल्लुक से कि ये दरगाह जो एक्विजिशन यानी एक्वायर जो रोड के लिए वसी करना था उसमें दरगाह शरीफ आ रही थी तो इसके लिए केस चला हुआ था, अचानक स्टे वैकेट होने की वजह से। और बड़ा अफसोस का मुकाम है कि हमारे कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ उसमें शायद पार्टी नहीं थी और उसमें उनका नो ऑब्जेक्शन होने की वजह से ये केस हम लोग जो है हार गए। और फौरन जो है हमारे यहाँ के DC हो या पुलिस कमिश्नर हो या BRTC के ऑफिसर्स हो, तमाम लोग जो है दरगाह को शहीद करने के लिए यानी जो रास्ते में दरगाह आ रही थी उसको वहाँ से हटाने के लिए वो लोग बोल्डेजर के ज़रिए उसे हटाना चाह रहे थे। वहाँ के सदर जनाब मुन्ना हैब अली भाई और उनके तंजीम मतलब ज़िम्मेदार हजरात और हमारे शहर के साबिक सदर और साबिक मिनिस्टर अब्दुल हकीम इंदसगिरी साहब, अंजुमन इस्लाम हुबली के सदर मोहम्मद यूसुफ सोनूर साहब, अल्ताफ़ हल्लूर, अल्ताफ़ कित्तूर और दीगर कई अहबाबों ने इस ताल्लुक़ से गौर व फिक्र किया और मेरे घर पर तशरीफ़ लाए थे, मैं मधु भी किया था। तो उसके बाद एक नतीजे पहुँचे कि उल्मा और मुफ्तियान कराम से फ़ैसला लें। तो उल्मा कराम से पूछा गया कि भाई ये ख़बर शरीफ का जो मामला जो रोड वेंडिंग यानी बड़ा करने के लिए जो डिमोलिश किया जा रहा है इसे बचाना है तो किस तरह हम लोग कर सकते हैं। तो उलमाए कराम जो है का कहना था कि भाई आपको ख़बर को जो है शिफ्टिंग कर सकते हैं या नहीं तो पूरी ख़बर को जो है निकाल कर उसके हर चीज़ को जो है आप उसे दूसरी ख़बर में मुंतकिल कर सकते हैं। तो इसी बिना पे जो है ये पुलिस डिपार्टमेंट हो या DC को तमाम लोग मिलकर ये फ़ैसला लिए कि भाई वहाँ से मज़ार शरीफ को बाजू में ही हज़रत की जगह में ही मुंतकिल करना बल्कि फ़ैसला लिया गया। तो कल जो है मामला बड़ा शहर में बड़ा गमगीन माहौल था, बड़े क्या छोटे क्या औरतें क्या हिंदू क्या मुस्लिम क्या सब लोगों के आंखों में आंसू थे। मस्जिद थी तो मस्जिद को भी शहीद किया गया और दरगाह को जहाँ शहीद करने का मामला था तो उस वक्त दरगाह शरीफ को दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात हुई और मज़ार शरीफ को जो है शहीद करने से पहले हम लोग जो नई खबर जो खुदाई गई थी उसका मुआयना किया तमाम लोग मिलकर। उसके बाद रात के ये क्या 1:30 बजे के करीब जो है हज़रत की मज़ार को हम लोग तिलावत कलाम पाक से नात शरीफ वर्द वज़ाइफ़ के साथ जो है हज़रत की मज़ार का जो है ऊपर वाला हिस्सा उसे हटाकर हज़रत की जो पुरानी खबर अंदर जो पुरानी खबर थी वो पूरी अंदर जो है समझिए कि खबर जो है अंदर पूरी ज़मीन बोस हो गई थी। उसके अंदर तुम्हारे पत्थर थे, मीठी थी और हज़रत के जिस्म के आज़ा थे यानी कि 10 फीट तक। तो हज़रत की जो मज़ार मुबारक में हज़रत के समझिए कि भाई पूरे जिस्म के आसार थे, सर से लेके
नहीं पूरा जिस्म के आसार थे, यानी वो तो मज़ार अंदर से शायद शहीद हो गए पहले ही वो जी। शायद रोड की वजह से हैवी ट्रैफिक फिरती है, शायद वह अंदर की मज़ार जो है वो नीचे अंदर हो गई थी। तो हमारे बच्चे जो मौलाना साहब जो कब्रिस्तान में खुदाई करते हैं वो बच्चे वगैरह देखे, तो देखने के बाद फिर हम लोग भी देखे, तो फिर उसे वहाँ से हटाने का काम शुरू करे। जैसे ही वहाँ की मज़ार की मट्टी फिर नई जहाँ खबर खुदाई गई तो उसमें शिफ्ट करते गए दरुज शरीफ वज़ाइफ के साथ। फिर उसके बाद पत्थर निकले तो पत्थरों को भी ये किया गया। हज़रत के जिस्म के आसार जो मिले तो वह तमाम चीज़ों को जो है सफ़ेद कपड़े में डालकर, हज़रत के कपड़े में डालकर उसके बाद उसे हरा कपड़ा उड़ाकर हज़रत के इन जिस्म के आसार को लेकर जा चले गए। अब इत्तेफाक़ क्या हुआ कि वो आसार इस तरह लेके गए कि भाई उसमें लाश जा रही है, इस तरह लोगों का तसव्वुर होने लगा। मगर हम लोग तो उस तरह का तसव्वुर भी नहीं सोचे, क्योंकि वह हम जब देख चुके थे तो अंदर पहले से ही मज़ार मुबारक अंदर से गिरी हुई है, और यकीन था कि हज़रत का जिस्म की तमाम चीज़ें मिलेंगे। तो इस तरह यकीन अल्लाह ताला बुज़ुर्ग के वसीले से हमें कामयाबी अता फरमाए। तो हज़रत के जिस्म के तमाम समझे जिस्म की चीज़ आज़ाद हमें मुहैया हुए, वो फिर वहाँ से ले जाकर फिर हज़रत के इसमें डाल दे। फिर दो बाजू जो खबर थे उनके भी आज़ा मिले। अलबत्ता ये क्या है, ये फोटोग्राफी है वीडियो करके ये कौन वायरल किया हमें पता नहीं, मगर हम लोग सख्त मना कर रहे थे कि भाई ये तो बुज़ुर्गान दीन का मामला है, और हुकूमत वक्त यानी अब हमारे DC साहब से परमिशन यही मिली थी कि हम इस मज़ार को यहाँ से निकाल कर दूसरी जगह मुंतकिल करना है। तो वही काम को हम लोग जो है मुंतकिल किए हैं। जैसे मज़ार में जो जो चीज़ें थीं वो तमाम चीज़ें, पत्थर हो, आज़ा हो, मीठी हो, ये तमाम चीज़ों को नई खबर में जहाँ से हज़रत की खबर थी उसी खबर को मुंतकिल किए। यानी पूरा का सालिम जिस्म जसद मुबारक नहीं मिला? नहीं नहीं मिला। तो वली के लिए कोई शर्त नहीं है कि भाई उसका जिस्म ही हुआ हो। अब जब जिस्म के आज़ा हमारे पास हैं तो यही हमारे लिए काफ़ी सनद है कि वहाँ मज़ार थी, मज़ार में हज़रत के आज़ा थे, हज़रत के जो है वो खबर में इतनी मीठी मीठी खुशबू आ रही थी, और वहाँ की जो मीठी में इतनी नरम वो मीठी थी जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, तो इतनी प्यारी खुशबू थी। हाँ ये हो सकता है कि हज़रत की जो लाश मुबारक के बारे में जो आप तसव्वुर करते हैं, मगर हम लोग तो हज़रत की लाश नहीं निकाले, क्योंकि बेजा जो है ऐसे बातों को आम करना सही नहीं है, क्योंकि DC हो या दूसरे डिपार्टमेंट के लोग भी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। गलत बोलने से जो है मुकाम व मर्तबा वली का नहीं बढ़ता, सही बोलना चाहिए। वली के फैज़ व बरकात आज भी जारी व सारी हैं। तमाम खबर की चीज़ें अब नई खबर में मुंतकिल किए हैं, इतना ही हमारा काम था मशायख उलमा मुतियाने कराम का, वो हम लोग काम किए हैं। और मैं दिल की अमी गहराई से हमारे मुनाहिब बल्ली साहब हो, अंजुमन के सदर हो, अरे मोहम्मद अब्दुल हकीम हिंदसगिरी साहब हो, नज़र खान हो, अल्ताफ हल्लू साहब हो, अल्ताफ कित्तूर हो, और जो ज़िम्मेदार हजरात वहाँ ज़ौक व शौक़ से इन बुज़ुर्गों की मज़ारों की पामाली ना हो, इन तमाम चीज़ों का ख्याल करते हुए मज़ार मुबारक को जो भी चीज़ें थी उसको हमने मुंतकिल किया। इससे बढ़कर दूसरा हम लोग काम क्या भी नहीं किए। मुख्तसर तारीख अगर आप बयान करें तो बेहतर होगा। हज़रत का जो नाम है हज़रत सैयद शाह महमूद खादरी अलमारूफ मोहम्मद शाह खादरी, डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड में इसके इंदराज हैं, स्टेट वक्फ बोर्ड में इंदराज है, और 1970 में शायद इसका इंदराज हुआ है। तो हज़रत के नाम से भी बहुत से लोग नहीं जानते थे। तो एक ज़माने में जो है हमारे यहाँ दारुल महल सुन्नतुल गौसिया के सदर मौलाना यूसुफ़ खादरी शुतारी साहब जो धारवाड़ के थे अले रहमा का, उनका विसाल हो चुका है, उन्होंने हज़रत का नाम जो है सैयद महमूद शाह खादरी, उन्होंने बताया कि ये नाम हज़रत का है। कितने साल पुराना दौर है तकरीबन हज़रत का? हो सकता है कि वो मज़ार और तारीख़ी चीज़ें हम जब खंगाल कर देखते हैं तो पता चलता है कि 250-250 साल के बुज़ुर्ग हो सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं अल्लाह का करम है कि इन बुज़ुर्गों के कुछ चीज़ें हैं, मगर हमारे पास जो है हमारे लोगों की क्या वो पहले वालों की गलतियां हुई वो पता नहीं, मगर जो खेत का उतारा जो ब्रिटिश पेड़ का है जी 100 साल पहले का, उसमें जो खेत का जो उतारा होता है उसमें दरगाह वाला बोल के लिखा हुआ है, एक डॉक्यूमेंट हमें मिलता है।
तो उसकी सनद ये मिलती है कि भाई ये जो खेत में जो दरगाह है वो दरगाह का ही खेत है। अब नंबर दो, उसके सामने वाली जो ज़मीन है वो एक मियानावर फैमिली की थी, वो उन्होंने जब 1949 में जो है जब ज़मीन ख़रीदी थी 1934 में, तो उस वक्त जो है उसमें जो सेल डीड कॉपी है उसमें ये लिखा गया है कि ये जो ज़मीन है दरगाह का हक्कल बोलते हैं। तो ये दो चीज़ें से पता चलता है कि दरगाह कदीम है। अब यही पीरियड की है ये भी बोलना सही नहीं, और ना हजरत के पीर मुर्शद के बारे में हम लोग बोल नहीं सकते और ना हजरत के वालिदैन के बारे में बोल सकते। एक अल्लाह के वली हैं, उनके नाम पे जायदाद थी और उस बुज़ुर्ग के नाम को उन्होंने, हो सकता है कि मौलाना यूसुफ़ अलैहि रहमान तहकीक करके हज़रत का नाम बता देंगे। अगर मौलाना यूसुफ अगर आज हमारे दरमियान में होते तो हम हज़रत को पूछ कर होते और हमारे मज़ीद मालूम हासिल हो सकती थी। ये मौलाना मोहम्मद यूसुफ अलैहि रहमान का बड़ा एहसान है कि उन्होंने उस वक्त जो है हज़रत के नाम का तारुफ़ कराया। बहुत बहुत शुक्रिया ताजुद्दीन पीरा साहब।